महाराष्ट्र चुनाव के बाद नायडू और नीतीश करेंगे बड़ा खेला। पूर्व सीएम ने किया बड़ा दावा, मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी दल और महायुत गठबंधन ने पूरा जोर लगा दिया है। इस साल के अंत में महाराष्ट्र चुनाव होना है। सभी राजनीतिक दलों ने नेता राज्य में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा है कि हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन होगा और इसका असर केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की स्थिरता पर भी पड़ेगा। दरअसल बीते दिन गुरुवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक विशेष साक्षात्कार में पृथ्वीराज चौहान ने यह भी दावा किया था कि महाराष्ट्र में महिलाएं केवल लड़की बहन योजना के कारण भाजपा को वोट नहीं देंगी। मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर विपक्ष के महाविकास आघाड़ी एमबीए गठबंधन में तनाव पर उन्होंने कहा कि अब तक फार्मूला यह रहा है कि सबसे अधिक सीटों वाली पार्टी को पद मिलता है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इन दोनों राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा में सरकार बदलने से नरेंद्र मोदी की गठबंधन सरकार की स्थिरता पर सीधा असर पड़ेगा, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के समर्थन पर टिकी है। अपने गृह राज्य में राजनीतिक स्थिति के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी भी उस तरह की खंडित राजनीति नहीं देखी है जो अब प्रचलित है। उन्होंने आगे कहा, लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी एमबीए ने 48 में से 65% सीटें जीती थी, जिसका मतलब है कि गठबंधन ने 288 विधानसभा सीटों में से 183 सीटें जीती हैं। विधानसभा चुनाव में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान संकट, भ्रष्टाचार पर कोई ध्यान नहीं दिया है। चौहान ने कहा है कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी का एमबीए गठबंधन भ्रष्टाचार को मिटाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। राज्य कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख चौहान ने कहा कि पार्टी एक गारंटी कार्ड लाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा, वित्तीय सहायता महिलाओं का अधिकार है। उन्होंने कहा, इसे मुफ्तखोरी नहीं माना जा सकता। यह परिवारों की देखभाल और अगली पीढ़ी के पालन पोषण के लिए महिलाओं द्वारा किया जाने वाला अवैतनिक काम है। वहीं आपको बता दें, सत्तारूढ़ महायुति दावा कर रहा है कि उसकी लड़की बहन योजना, जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये का भुगतान किया जाता है, आने वाले चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा। चौहान ने आगे कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और इसलिए उसके पास लड़की बहन योजना के अलावा देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार बदलापुर मामले, जहां स्कूलों में 2 किंडरगार्टन लड़कियों का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया था, या शिवाजी महाराज की मूर्ति के संबंधों में भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या और बेरोजगार शिक्षित युवाओं की समस्याओं में जवाबदेही से बच सकती है।